माली समाज के श्री जगदम्बा माता और माता रानी भटियाणी मंदिर की चतुर्थ वर्षगांठ पर 12 से 23 जनवरी तक धार्मिक कार्यक्रमों के साथ शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। चतुर्थ वर्षगांठ समारोह को लेकर कई धार्मिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंदिर परिसर में इन दिनों देवी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक सुनील महाराज ने कथा के 9वें दिन देवी भागवत कथा के कई प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया। माली समाज के श्री जगदम्बा माता व माता रानी भटियाणी मंदिर की चतुर्थ वर्षगांठ पर 12 से 23 जनवरी तक धार्मिक कार्यक्रमों के साथ शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। चतुर्थ वर्षगांठ समारोह को लेकर इन दिनों कई धार्मिक कार्यक्रमों व प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंदिर परिसर में इन दिनों देवी भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक सुनील महाराज ने कथा के 9वें दिन देवी भागवत कथा के कई प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया। कथा वाचन करते हुए कथावाचक सुनील महाराज ने गुरुवार को देवी सती और भगवान शिव के विवाह का मार्मिक वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव से विवाह रचाने के कारण दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री सती से अप्रसन्न रहने लगे थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने दिव्य यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन माता सती को नहीं बुलाया गया। जब ये बात सती को पता लगी तो उन्होंने प्रभु शिव जी से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, लेकिन महादेव ने ये कहते हुए मना कर दिया कि बिना बुलावे को किसी शुभ कार्य में जाना मृत्यु के समान है। महादेव ने कहा कि पिता के दक्ष ये यज्ञ अपमान के उद्देश्य से ही कर रहे हैं, इसलिए ससुराल में अपमान होना मृत्यु से कम नहीं। शिवजी के मना करने के बाद भी सती नहीं मानी और इसके बाद माता सती ने रौद्र रूप धारण कर लिया। माँ का ऐसा रूप देखकर भगवान शिव भयभीत हो गए और इधर उधर भागने लगे। सती ने शिव को रोकना चाहा, लेकिन शिवजी तेज गति से दौड़ते चले गए। इस पर सती फिर अपने 10 श्रेष्ठ रूप धारण कर सभी दिशाओं में स्थिर हो गई। भगवान शिव अपने नेत्र बंद कर एक स्थान पर ठहर गए। इन तीर्थान की कोई जरूरत नहीं पड़े। अब मैं ना जो है घबरा जावे, हिमाचल राजा की नारद जी, अरे इतना सुंदर वेला महाराज जवाई तो कटी में देखन में माली समाज के श्री जगदम्बा माता व माता रानी भटियाणी मंदिर की चतुर्वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित देवी भागवत कथा के श्रवण को लेकर बड़ी संख्या में माली समाज के लोगों के साथ ही शहरवासी मौजूद रहे।